Good morning students, we are on exercise 11.3 and today we shall do question number 4 is give expressions for the following cases. Today we shall learn how to make algebraic expression. For that we must have the knowledge of algebraic expression. So algebraic expression are the expression which consist variable, constant and operator. Variable means a to z any alphabet. Constant means any number, whole number, natural number, integers, and operator means plus, minus, multiply and divide. Okay, these are the operator. So in teenon ka use karke variable, constant एंड ऑपरेटर्स, इनका यूज करके हम लोग बनाते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो टुडे वी शैल राइट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. स्टेटमेंट इज ऑलरेडी गिवन, हम लोग को बस क्रिएट करना है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 एडिड टू पी. तो 7 लिखेंगे, एडिड की जगह आप कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस एंड पी. दिस इज द एक्सप्रेशन. इट कंसिस्ट कॉन्स्टेंट, इट कंसिस्ट ऑपरेटर, इट कंसिस्ट वेरिएबल. सो इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. नेक्स्ट इज 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पी. 7 को सब्ट्रैक्ट किया गया कितने में से, पी में से. सो वी राइट पी माइनस सेवन. जो फ्रॉम के बाद लिखा होता है उसको पहले लिखते हैं. तो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पी विल बी एक्सप्रेस एज p-7. ओके, नेक्स्ट इज पी मल्टीप्लाई बाई 7. सो पी और मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 7. अब इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है, वेन वी मल्टीप्लाई अ वेरिएबल बाई अ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कम्स फर्स्ट, कॉन्स्टेंट पहले आता है. तो p मल्टीप्लाई बाई 7 गिव्स यू 7p. और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई का साइन है ना वो हाइड हो जाता है. 7p का मतलब यही है कि हम लोगों को अंडरस्टूड होना चाहिए कि देयर इज अ साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन बिटवीन 7 एंड पी. ओके, 7p मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाई p. अगर p मल्टीप्लाई बाई 7 होगा तब भी हम लोग 7p लिखेंगे, और 7 मल्टीप्लाई बाई p होगा तब भी 7p लिखेंगे. हमेशा जो नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं, बस आपको इतना सा याद रखना है. नेक्स्ट इज पी डिवाइडेड बाई 7. सो वी राइट पी डिवाइडेड, डिवीजन का साइन लगाया 7. और इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हम लोगों ने फ्रैक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसे ही पी यहाँ पे डिवाइड इस तरीके से साइन लगाएंगे एंड अपॉन पी अपॉन 7. ओके, सो पार्ट ई इज 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस एम. सेम क्वेश्चन रिपीटेड, 7 को सब्ट्रैक्ट किया गया है माइनस एम से. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस एम. फ्रॉम के बाद जो लिखा है उसको पहले लिखेंगे, माइनस एम. सब्ट्रैक्शन के लिए कौन सा साइन आएगा, माइनस और 7. इसको बस इतने ही लिखेंगे, ये सॉल्व नहीं होता है. माइनस एम माइनस 7, बस इतना ही लिखेंगे हम लोग. नेक्स्ट इज माइनस पी मल्टीप्लाई बाई 5. ओके, अभी हमने क्या पढ़ा था फोर्थ पार्ट में, कि वेरिएबल को पहले लिखेंगे और कॉन्स्टेंट को पहले लिखेंगे और वेरिएबल को बाद में. तो यहाँ पे है माइनस पी मल्टीप्लाई बाई 5. तो पहले हम लोग लिखेंगे 5 देन पी. अभी और कोई भी बाकी है, कौन है ये निगेटिव का साइन, तो माइनस का साइन मतलब इंटीजर्स, माइनस 5 इस तरीके से लिखेंगे. ठीक है, सो आंसर विल बिकम माइनस पी मल्टीप्लाई बाई 5. तो पहले पी और 5 को मल्टीप्लाई कर लो तो 5p आएगा, और माइनस का साइन पुट कर दो एज इट इज. ओके, नाउ पी डिवाइडेड बाई 5 को तो ऐसे एक्सप्रेस करना है, लेकिन डिवाइड का साइन की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, अपॉन, तो माइनस पी अपॉन 5. अभी कंफ्यूज मत होना कि मैम ये माइनस का साइन यहाँ लगाता वहाँ लगाता, ये इस तरीके से भी ले सकते हो आप, और ये इस तरीके से भी, दोनों तरीके सही है. माइनस पी, सॉरी
पी मल्टीप्लाई वाई माइनस फाइव, पी मल्टीप्लाई और माइनस पी। यहाँ पे देखिए दो ऑपरेटर एक साथ आ गए, मल्टीप्लाई और माइनस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग दूसरे ऑपरेटर को ब्रैकेट के थ्रू सेपरेट कर देंगे, देन पी मल्टीप्लाई बाई माइनस पी माइनस फाइव, सॉरी पी मल्टीप्लाई बाई माइनस फाइव। तो आपको क्या करना है, क्या तरीका है इसका, पहले आप वेरिएबल एंड कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करना होता है, कांस्टेंट को पहले लिखते हैं फाइव पी। नाउ देयर इज ऑनली वन नेगेटिव, सो पुट इट बिफोर फाइव, ओके, सो आंसर विल बिकम माइनस फाइव पी। हेंस दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। Thank you.